सब्सक्राइब कीजिए शबिस्ता खान को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शबिस्ता खान किचन। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ चाट मसाला। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। वैसे तो मार्केट में आसानी से मिल जाता है, लेकिन अगर आप इसको अपने घर में बनाकर खाएं तो ये बहुत ही अच्छा बनता है। आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हो उसके हिसाब से इस चाट मसाले को आप अपने घर में बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है 125 ग्राम काला नमक लिया है, 100 ग्राम सफ़ेद नमक लिया है, 50 ग्राम धनिया लिया है मैंने, देखिए साबुत धनिया लिया है, 50 ग्राम जीरा लिया है और 25 ग्राम काली मिर्च, 20 ग्राम अमचूर पाउडर, 5 से 6 मैंने सूखी लाल मिर्च ली हैं, 10 ग्राम टार्टरिक एसिड लिया है और ये 1/2 टीस्पून मैंने हींग ली है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पैन को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब सबसे पहले इसमें हम धनिया ऐड कर देंगे, जीरा, काली मिर्च, साबुत लाल मिर्च और इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसको हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, इसको बस हमें हल्का सा रोस्ट करना है ताकि ये जो सर्दियों के मौसम में इसमें नमी होती है वो ख़त्म हो जाए। इसको बस हमें इतना ही रोस्ट करना है। 1 से 2 मिनट लगते हैं इसको रोस्ट करने में। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए ये हमने कढ़ाई में से मसाले निकाल लिए हैं जो हमने रोस्ट किए थे। अब इसको हम इस जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। साथ ही इसमें ये अमचूर पाउडर ऐड कर देंगे, काला नमक, सफेद नमक, हींग और ये टाटरी, इसको हमने बारीक टुकड़ों में तोड़ लिया है और इसको हम बिल्कुल महीन पाउडर जैसा बना लेंगे। जैसा हमारा पाउडर होता है इस तरह से इसको हम ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने के बाद इसको हम आपको दिखाते हैं। देखिए चाट मसाले को हमने ग्राइंड कर लिया है। देखिए आप इसको देख सकते हैं बिल्कुल पाउडर जैसा बन चुका है। देखिए इसको हमने 2 बार छान लिया था छलनी की मदद से और आप अब इसको देख सकते हैं कि ये कितना पाउडर जैसा बन गया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसको आप 6 से 7 महीने तक एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख सकते हैं। ये बहुत ही आराम से चलता है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो सकता क्योंकि इसको हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया था। 6 से 7 महीने तक इसको बहुत आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं फिर हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।